नमस्कार, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ऑपरेशन 100 राउंड, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसे 15 अगस्त के जश्न से ठीक 84 घंटे पहले अंजाम दिया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया की गाड़ी पर AK-47 से 100 राउंड गोलियां बरसाई गई और गोलियां चलाने के बाद हमलावर फरार हो गए। ऐसा तब हुआ जब 15 अगस्त को लेकर दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में चौकसी काफी बढ़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर AK-47 से कैसे हमला कर दिया गया? ये कोई आम वारदात नहीं, बहुत बड़ी वारदात है और हम इसी बड़ी वारदात से जुड़े कई खुलासे आपको दिखाने जा रहे हैं। खुलासा नंबर एक, हमलावरों का ऑपरेशन 100 राउंड। एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और कारतूस, 2 पिस्टल्स और 1 कार्बाइन, जो राइफल नुमा है वो सभी फैक्ट्री मेड इंपोर्टेड वेपन्स हैं, ये बरामद हो चुके हैं। ये वही हथियार हैं जिनकी गोलियां गुरुवार को बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया के शरीर को छलनी कर गई। ये वही हथियार हैं जिनसे निकली 100 गोलियां तेवतिया की सफेद रंग की SUV के आर पार हो गई। हमला गुरुवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच तब हुआ जब ब्रिजपाल तेवतिया अपने साथियों के साथ मुरादनगर से गाजियाबाद लौट रहे थे। बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया पर AK-47 जैसे घातक हथियारों से हमला होता है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब है। बदमाशों को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि 7:30 और 8 बजे के आसपास जो ब्रिजपाल तेवतिया का काफिला है वो रावली रोड से गुजरेगा। बदमाश वहां पर घात लगाकर बैठ गए और जैसे ही बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया अपनी 2 गाड़ियों के साथ वहां पर आए तो बदमाशों ने वहां पर बिना समय गवाए उन पर हमला करना शुरू कर दिया। करीब 100 राउंड गोलियां चली, AK-47 के भस्ट वहां पर किए गए और ये जो बदमाशों ने हमला किया था पूरी तरह से जो गाड़ियों में लोग बैठे थे उनको खत्म करने के लिए किया था। निवाड़ी थाना क्षेत्र से बरामद उत्तराखंड के नंबर वाली ये वही फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसमें बैठकर हमलावर आए थे। बीजेपी नेता के काफिले पर 20 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। जिन लोगों को चोटें लगी है उस हिसाब से तेवतिया जी थे और उनके साथ में 5 लोग, हमलावर करीब 4 लोग। किस तरह का वेपन था उनके पास? ऑटोमेटिक वेपन्स थे और उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया को पहले सर्वोदय अस्पताल, फिर यशोदा अस्पताल और उसके बाद रात के करीब 11 बजे नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी डॉक्टर्स से बात हुई है, तेवतिया साहब का तबीयत अब पहले से बेटर है, ऑपरेशन हो चुका है। तेवतिया से मिलने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, महेश शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे। खुले आम गुंडे बदमाश हथियारों के साथ आते हैं, कि चलती गाड़ी जिसके साथ 6-8 लोग हैं, हमें कहा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर गाड़ी में 2-6 लोग हों तो सुरक्षित माना जाता है, उनके पास हथियार भी थे सुरक्षा के लिए, लेकिन उनके बावजूद भी गुंडे बदमाशों के इतने हौसले बुलंद थे और इसका मतलब वो इनको लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे कि कैसे उन घटना को अंजाम देना है। खुलासा नंबर 2, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस केस के लिए करीब 900 पुलिस वालों की टीम बनाई गई है। गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शायद इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपने इतिहास में ना की हो। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, कई थानों की फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा जो पुलिस लाइन में रिजर्व फोर्स रहता है उसको भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया है। 10 IPS इस पूरे केस को देख रहे हैं, चाहे लखनऊ के हों, मेरठ के हों या गाजियाबाद के हों। इसके अलावा 30 से ज़्यादा जो डिप्टी SP हैं वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। दरोगा से लेकर सिपाही तक
अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो क्राइम हुआ है, एक तो AK-47 से हमला हुआ है, अपने आप में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरी बात, जो ब्रजपाल तेवतिया हैं बीजेपी के नेता, उनके जो रिश्ते हैं देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से हैं, शायद यही वजह है कि पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद पूरे इस मामले को डील कर रहे हैं। 900 पुलिस वालों की भारी भरकम टीम ब्रजपाल तेवतिया के गुनहगारों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार वारदात के 24 घंटे बाद भी गुनहगारों का खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। उसे कंट्रोल करना ही है तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लेकिन जी मीडिया रिपोर्टर अनुराग चड्डा, प्रमोद शर्मा और विशाल पांडे की पड़ताल में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा हमलावरों का, खुलासा हमले की वजहों का और खुलासा हमलावरों से यूपी पुलिस की मिली भगत का। आप देखते रहिए ऑपरेशन 100 राउंड पर हमारी बड़ी पड़ताल। ब्रजपाल तेवतिया को किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी, AK-47 चला कौन रहा था, क्या तेवतिया को मारने की साजिश में गाजीबाद पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे, तेवतिया पर गोलीबारी का आखिर पंजाब से क्या ताल्लुक है और बीजेपी नेता पर हमले में गैंगस्टर की वर्दी वाली बीवी का हाथ होने का शक पुलिस को क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब हमारे अगले 4 खुलासों में आप देखिए। खुलासा नंबर 3, तेवतिया को मारने के लिए दो गैंग में गठजोड़। इस शख्स को देख रहे हैं आप, ये है शेखर और ये रहा इसके गुनाहों का कानूनी चिट्ठा। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली और पंजाब तक शेखर के खिलाफ 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया को मारने के लिए शेखर गैंग और मनोज गैंग दोनों में गठजोड़ हुआ था। शेखर और मनोज दोनों सुरेश दीवान के रिश्तेदार हैं। सुरेश दीवान यानी वो गैंगस्टर जिसका मर्डर 1999 में हुआ था। इस केस में ब्रजपाल तेवतिया जेल भी गए थे। सुरेश की मौत के बाद उस गैंग की कमान राकेश हसनपुरिया ने संभाली, लेकिन साल 2003 में यूपी पुलिस ने राकेश हसनपुरिया का एनकाउंटर कर दिया। हसनपुरिया गैंग और मनोज गैंग को शक है कि हसनपुरिया एनकाउंटर में पुलिस की मुखबिरी ब्रजपाल तेवतिया ने ही की थी। तब से तेवतिया हसनपुरिया गैंग के निशाने पर थे। मनोज और शेखर की पहचान कर ली गई है और वो AK-47 भी बरामद पुलिस ने कर ली है और वो फॉर्चुनर गाड़ी भी पुलिस को मिल चुकी है जिसमें हमलावर बैठ कर आए थे और स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी ब्रजपाल तेवतिया जिस पे सवार थे उस पे अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस के को काफ़ी अहम सुराग मिले हैं और पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही इस जो हमला हुआ था इसके पीछे के जितने आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब से वो हसनपुरिया मरा था जब से ये रंजिश मानने उनसे 2003 से रंजिश चल रही थी। खुलासा नंबर 4, तेवतिया पर जानलेवा हमले के पीछे गैंगस्टर की बीवी। साल 2012 में मुरादनगर विधानसभा से MLA का चुनाव लड़ चुके ब्रजपाल तेवतिया के खिलाफ ऑपरेशन 100 राउंड के पीछे कहीं गैंगस्टर राकेश हसनपुरिया की बीवी का हाथ तो नहीं है, इस एंगल से भी पुलिस तहकीकात कर रही है। राकेश हसनपुरिया की पत्नी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हसनपुरिया की घरवाली सरिता है वो पकड़ रखी है अभी पुलिस ने। पुलिस में है? हाँ, पुलिस में है, कांस्टेबल लोनी में है फिलहाल। वो पर्सनल एनिमिटीज के मैटर भी चेक किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है। गाजियाबाद के SSP पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया को बीते 10 सालों से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी और कई बार हमले भी हो चुके थे। बावजूद इसके पुलिस ने कुछ ही दिन पहले तेवतिया को मिली पुलिस सुरक्षा हटा ली। थ्रेट परसेप्शन देखा जाता है कि क्या है तो हटाने से पहले भी उनको देखना चाहिए था। घटना की जांच होनी चाहिए, जो भी लोग इसके पीछे हों वह सामने आने चाहिए, बेनकाब होने चाहिए। खुलासा नंबर 5, पुलिस का हाथ हमलावरों के साथ।
ऐसा कहा जा रहा है कि शेखर और मनोज नाम के गैंगस्टर्स को गाजियाबाद पुलिस का संरक्षण हासिल है। गाजियाबाद पुलिस शेखर और मनोज का इस्तेमाल मुखबिर की तरह करती है, बदले में इन्हें हथियार तस्करी की छूट दी जाती है। और तो और आरोप ये भी है कि दूसरे राज्यों की पुलिस से भी इन बदमाशों को गाजियाबाद पुलिस बचाती रही है। दरअसल जिस बदमाश शेखर का नाम ब्रजपाल तेवतिया पर हमला करने के मामले में आ रहा है, उस बदमाश की पूरी हिस्ट्री शीट मेरे पास है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मोबाइल की स्क्रीन पर जो हिस्ट्री शीट है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। दरअसल इस पूरी हिस्ट्री शीट में जो मैं अभी तक पढ़ पाया हूँ, शायद ही कोई ऐसा सनसनीखेज अपराध होगा जो कि शेखर के ऊपर दर्ज ना हो। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस लगातार 2 साल तक गाजियाबाद में शेखर को तलाशती रही और उसके ऊपर आरोप था कि पंजाब से वो हथियार लाता था, दिल्ली और यूपी के कई जिलों में वो हथियारों की सप्लाई करता था। लेकिन गाजियाबाद पुलिस अब तक कहां सोई रही? क्यों नहीं गाजियाबाद पुलिस ने पिछले 2 साल के अंदर शेखर के खिलाफ कार्रवाई की? शायद यही वजह है कि हथियारों की जो बड़े स्तर पर तस्करी हुई और उन हथियारों का इस्तेमाल अपराधों में हो रहा है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो लखनऊ से गाजियाबाद में कैंप किए हुए हैं, वो भी इसी दिशा पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो AK-47 कार्बाइन और जो 9mm की पिस्टल इस्तेमाल की गई है बीजेपी नेता के हमले के मामले में, वो कहीं पंजाब से तो नहीं लाई गई और पुलिस के ऊपर एक जांच बिठाई गई है। खुलासा नंबर 6, तेवतिया के खिलाफ किसने की मुखबिरी? तेवतिया अक्सर बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे, लेकिन गुरुवार को उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली। आखिर ऐसा क्यों? इस बात की सूचना गैंगस्टर्स को किसने दी और पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले तेवतिया की सुरक्षा क्यों हटा ली? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। गाजियाबाद से अनुराग चड्डा और विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।